और चलिए यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं जांजगीर चांपा, जहां पर आज कांग्रेस के द्वारा भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। आप की जगह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही सिंचाई विभाग के द्वारा जो बांगो डैम और लेफ्ट बैंक के नाल है, राइट बैंक के नाल को दिखाते हुए टेल एरिया तक नहर का लाइव डेमो दिखाया गया है, जो सिंचाई विभाग का स्टॉल है। और इसके साथ ही लाइव मॉडल जो बनाया गया है, ये स्टॉल क्रमांक जो बनाया गया उद्योग विभाग का नौ को पीआईएल और मड़वा द्वारा डेमो मॉडल प्रदर्शित किया गया है। पर्यटन विभाग में राम वन गमन पथ और टूरिस्ट साइट का ड्राइंग एवं डिजाइन रायपुर कार्यालय द्वारा बनाया गया है। वन विभाग में कृष्ण कुंज का मॉडल और वृक्ष संपदा एवं अन्य सभी योजनाओं की फ्लेक्सी लगी हुई है। महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी केंद्र का एक मॉडल, जिसमें मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का महिलाओं को गर्म थाली भोजन करते हुए एवं बच्चों को अंडा केला खिलाते हुए पोषण वाटिका का भी प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाया गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग स्कूल का मॉडल तथा स्कूल में होने वाली गतिविधियों, श्रम विभाग संबंधी योजनाएं, बेरोजगारी भत्ता संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई है। और नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, सिकल सेल, हाट बाजार क्लिनिक, खूब चंद बघेल स्वास्थ्य योजना, सुपोषण योजना, इसकी जानकारी प्रदर्शित की गई है। स्टॉल जो विकास मूलक जानकारियों से सजे हुए हैं, उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और उनके साथ माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार जी, नासिर हुसैन जी भी आए हुए हैं राज्यसभा सदस्य, उनके साथ राज्यसभा सदस्य, उनका भी स्वागत है नासिर हुसैन जी, और उनके साथ प्रणव झा भी जी, सचिव एआईसीसी, और साथ ही एआईसीसी के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। श्री विजय जांगिड़ जी भी यहां पर उपस्थित हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सीधे शिलान्यास करते हुए, स्टॉल भ्रमण करने के बाद शिलान्यास करते हुए और छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का लोकार्पण करते हुए मंच पर पधारेंगे आज के हमारे सम्माननीय अतिथिगण। आप सब सुन रहे हैं कर्मा नृत्य के साथ स्वागत करते हुए हमारे सांस्कृतिक स्रोत को जीवित रखने का और छत्तीसगढ़ के विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को सम्मान देते हुए उसी बाना में सजे हुए कर्मा की धुन पर हमारे लोक कलाकार स्वागत करते हुए उन्हें मंच की ओर लेकर आ रहे हैं। सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करते हुए मंच पर उन्हें लेकर आ रहे हैं। कर्मा की धुन, लोक धुन सुनाई पड़ रही है आपको। कर्मा नृत्य के साथ हमारे लोक कलाकार झान मजीरे और विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के साथ उन्हें मंच तक लेकर आ रहे हैं। उनके साथ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री टीएस सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, और श्री दीपक बैद जी और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य उपस्थित हैं। माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय श्री गुरु रुद्र कुमार जी, माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, माननीय श्री कवासी लखमा जी, माननीय श्री मोहन मरकाम जी, माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी, माननीय श्री अमरजीत भगत जी, माननीय श्री उमेश पटेल जी, और विभिन्न मोर्चा, विभिन्न मंडल आयोग और यहाँ
संस्थानों के जो सदस्य और पदाधिकारीगण हैं वे उपस्थित हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। दूर दराज से आए हुए ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि और जिला पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ स्टॉल का भ्रमण करते हुए सीधे मंच पर आएंगे सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष। जोरदार स्वागत करते हुए लोक धुन के साथ यहां उन्हें मंच पर लेकर आ रहे हैं। उनके साथ सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और सम्माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी माननीय श्री टीएस सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर के सांसद श्री दीपक बैद जी, बड़े उत्साह के साथ स्वागत करते हुए स्टॉल के पास पूरी टीम पहुंच गई है और स्वागत करते हुए वे स्टॉल भ्रमण कराते हुए सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और हमारे अतिथियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेकर यहां मंच की ओर सवर रही है तस्वीर। विकास के लग चुके हैं पंख, बदली है जिले की तस्वीर। जाज्वल्य देव की ये पावन भूमि प्रदेश सरकार के प्रयासों और जन कल्याणकारी योजनाओं से और भी निखर रही है, और भी सवर रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में जांजगीर चांपा जिले का हुआ है चहुंमुखी विकास। आप देख रहे हैं लोक धुन के साथ छत्तीसगढ़ में नया सवेरा लाया है, जिसका जितना हक बढ़कर पाया है, हर वर्ग को उसने न्याय दिलवाया है। हमको ये मंगल दौर स्वीकार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। किसानों की सूची कर्जा माफ किया, हर घर का बिजली बिल हाफ किया, जितना था वादा सब संभव निभाया है, विस्थापितों की जमीनें भी लौटाया है। देश में छत्तीसगढ़ का रोशन नाम है, आदिवासी के उपज को मिलता दाम है, कंगन वाले हाथों में भी अब काम है, अनुगुंजित चहुं दिशा में भांचा राम है, युवाओं के हक में अब रोजगार है। ये लोगों के भरोसे की सरकार है, ये बाबा घासीदास का अभिमान है, निज गौरव का बढ़ता स्वाभिमान है, नजरों में सरकार के सब समान है, हर मेहनत कश का पूरा सम्मान है। गांधी के रास्ते पर योजनाएं बनती है, हर निर्णय पर खुशी यहां बिखरती है, निर्भीक होकर बहने माताएं चलती है, कौशल से अपने भविष्य को गढ़ती है, महिलाओं के हाथों अब स्वरोजगार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, साउंड दो यार, बहुत खींच रहा है आप। हेलो, खींच रहा है, ठीक करो इसको। स्टॉल का भ्रमण करते हुए शिलान्यास स्थल पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए आज छत्तीसगढ़ महतारी की कलेक्टोरेट पुलिस अधीक्षक कार्यालय और मंडी प्रांगण में स्थित प्रतिमा का बटन दबाकर ऑनलाइन लोकार्पण भी करेंगे। यहां से माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा,
विभिन्न हितग्राहियों को वहां पर स्टॉल के पास और यहां भूमि पूजन जहां पर किया जा रहा है, यहां आज कुल 467 करोड़ 32 लाख 92 हजार रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास, उसकी आधारशिला रखी गई है। श्री जयसिंह अग्रवाल जी, सम्मानीय प्रभारी मंत्री, बहुत बहुत स्वागत उनका। माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। मंत्रिमंडल के तमाम आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। सम्माननीय मंत्रिमंडल के सम्माननीय सदस्यों का स्वागत। श्री धनेन्द्र साहू जी, बहुत बहुत स्वागत। सम्माननीय विधायक और माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सीधे मंच पर शिलान्यास करते हुए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। बस कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा, यहां लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा है, तीन जगह स्थापित, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा कलेक्टोरेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय और मंडी परिसर में स्थापित है, जिसका बटन दबाकर यहां से लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्य अभ्यागत महोदय। और साथ ही विभिन्न योजनाओं के आधारशिला रखी जा रही है, जिसमें 467 करोड़ 32 लाख 92 हजार की राशि के विकास कार्यों की आधारशिला आज रखी जा रही है। माननीय मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की प्रभारी, उनके साथ माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी और माननीय श्री टी एस सिंहदेव जी, माननीय श्री दीपक बैद जी, सभी यहां उपस्थित हैं हमारे छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के माननीय सभी वरिष्ठ मंत्रीगण और माननीय विधायकगण, निगम मंडल और आयोग के माननीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सबका बहुत बहुत स्वागत है। भरोसे का सम्मेलन आज माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित है। श्री भूपेश बघेल जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, शीघ्र ही वे मंचस्थ होने जा रहे हैं। मंच पर उनके आगमन के पश्चात आज का मंचीय कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ होगा। आप सभी से आग्रह है, पीछे काफी लोग खड़े हुए हैं जो सेक्टर प्रभारी हैं, कृपया ध्यान देंगे मंच के दाईं ओर, बाईं ओर की पंडाल और दाईं ओर की पंडाल में उन्हें बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। माननीय श्री टी एस सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री टी एस सिंहदेव जी मंच पर उपस्थित हुए हैं। बस कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा और मंच पर सीधे यहां उपस्थित हो रहे हैं। मंच पर शीघ्र ही उपस्थित हो रहे हैं, आप सब तालियों से स्वागत करें सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और
छत्तीसगढ़ प्रभारी माननीय श्री टी एस सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़, माननीय श्री दीपक बैज जी, सांसद बस्तर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय श्री गुरु रुद्र कुमार जी, माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, माननीय श्री कवासी लखमा जी, माननीय श्री मोहन मरकाम जी, माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी, माननीय श्री अमरजीत भगत जी, माननीय श्री उमेश पटेल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्माननीय हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण पूजन के लिए माननीय मुख्य अभ्यागत श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आप सभी का स्वागत। माननीय टी एस सिंहदेव जी और माननीय श्री दीपक बैज जी से आग्रह करूंगा दीपक जलाकर और माल्यार्पण पूजन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आप सभी से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। आज के भरोसे के सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया माननीय हमारे अतिथियों ने और हमारे सम्माननीय मंत्रिमंडल के सम्माननीय मंत्रीगण और सम्माननीय माननीय विधायकगण और सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी से आग्रह है कृपया राजगीत के सम्मान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राजगीत छत्तीसगढ़ राज्य में जो राजगीत हमारा है उसके सम्मान में आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। छत्तीसगढ़ महतारी की अभ्यर्थना के पश्चात सभी से आग्रह अपना स्थान ग्रहण करें और इस अभ्यर्थना के साथ हम अपने उन पुरखों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का स्वप्न देखा। मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कोसा, शाल, श्रीफल और बांस से निर्मित टोपी और नांगर जिसे हल कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में नांगर कहते हैं, इसे भेंट कर माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, उनका स्वागत कर रहे हैं।
माननीय कुमारी शैलजा मैडम को, श्री दीपक बैज जी सांसद कोसा साल एवं श्रीफल और बांस की टोपी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। माननीय कुमारी शैलजा मैडम छत्तीसगढ़ प्रभारी, उनका स्वागत। श्री दीपक बैज जी सांसद कोसा साल एवं श्रीफल बांस की टोपी पहनाकर स्वागत करेंगे। आग्रह है माननीय संभागायुक्त, सम्मानीय संभागायुक्त श्री के डी कुंजाम सर से कि वे आए और सम्मानीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री के डी कुंजाम जी संभागायुक्त, उनसे आग्रह है। इसी कड़ी में ही पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज डॉक्टर आनंद छाबड़ा जी से भी आग्रह है कि वे भी पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय खड़गे जी का स्वागत करें। जांजगीर चांपा की सम्मानीय जिला कलेक्टर कलेक्टर मैडम ऋचा प्रकाश चौधरी से सादर आग्रह है कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय अग्रवाल जी से आग्रह है कि वे भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। डॉक्टर ज्योत्सना महंत जी, सम्मानीय ज्योत्सना महंत जी सांसद कोरबा, उनसे आग्रह है सम्मानीय खड़गे जी का स्वागत करें, पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। सम्मानीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय अग्रवाल जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि कलेक्टर मैडम ऋचा प्रकाश चौधरी जी, उनका स्वागत करें। सम्मानीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें जी। माननीय श्री दीपक बैज जी सांसद बस्तर का स्वागत करने के लिए सम्मानीय एडीएम साहब श्री एसपी वैद्य जी को आग्रह करूंगा और सभी मंत्रियों का स्वागत करने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करने के लिए श्री एसपी वैद्य सर, एडीएम साहब, डीसी संदीप ठाकुर से आग्रह है और समस्त हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी, एडीएम साहब से आग्रह है माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी का स्वागत करें। श्री एसपी वैद्य जी, श्री संदीप ठाकुर जी से आग्रह है माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी का स्वागत करें और एसडीएम श्री ज्ञानेंद्र जी से आग्रह है कि श्री रविंद्र चौबे जी माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय श्रीमती अनेलिया भेड़िया जी का स्वागत करने के लिए आग्रह है। हमारे बीच उपस्थित सम्मान्य निशा नेताम मंडावी जी से कि वे माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का स्वागत करें। माननीय श्री रुद्र कुमार गुरु का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आराध्या राहुल कुमार को, डिप्टी कलेक्टर वे आए और उनका स्वागत करें। माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी का स्वागत के लिए एडीएम श्री एसपी वैद्य जी, माननीय श्री कवासी लखमा जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का स्वागत करने के लिए श्री संदीप ठाकुर जी डिप्टी कलेक्टर, उनसे आग्रह है। माननीय श्री मोहन मरकाम जी का स्वागत, श्री माननीय ज्ञानेंद्र सिंह जी एसडीएम जांजगीर स्वागत करेंगे माननीय श्री मोहन मरकाम जी का। माननीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी प्रभारी मंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हमारे जी हमारे एडीएम साहब, उनका स्वागत करें। माननीय श्री अमरजीत भगत जी का स्वागत है, माननीय श्री उमेश पटेल जी का, सभी का स्वागत एडीएम श्री एसपी वैद्य करेंगे, श्री संदीप ठाकुर करेंगे। माननीय हमारे समस्त अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और सभी का एक बार जोरदार आप तालियां बजाकर हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं आग्रह करूंगा यहाँ गजमाला पहना
आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय अतिथि उपस्थित हैं। सभी हमारे जितने यहां पर माननीय मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, स्वागत के लिए सभी को मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय खड़गे जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गजमाला से स्वागत करने के लिए सभी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यगण और सभी माननीय विधायक, सभी से आग्रह है गजमाला लेकर आए और सम्माननीय खड़गे जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी आ जाएं गजमाला लेकर स्वागत के लिए। माननीय खड़गे जी का सभी मोर्चा प्रकोष्ठ निगम मंडल के पदाधिकारी गण, सम्माननीय विधायक गण, सम्माननीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य गण, सभी गजमाला से स्वागत कर रहे हैं माननीय महोदय का। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबसे आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जी आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी की तरफ से माननीय श्री खड़गे जी का स्वागत। खुमरी और साल भेंट कर माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सम्माननीय खड़गे जी का स्वागत। साल साल और कुमरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी की ओर से, और सभी को वो कुमरी पहना रहे हैं। आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी का, प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी का साल और कुमरी भेंट कर स्वागत कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी। श्री शिव डहरिया जी को साल भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। स्वागत जी आपका ना? जी जी मैडम जी जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे जिले की सम्माननीय कलेक्टर मैडम ऋचा प्रकाश चौधरी जी से कि वे आए और इस अवसर पर अपना स्वागत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जय जोहार। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी, उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी, सांसद बस्तर दीपक बैज जी, सांसद कोरबा ज्योत्सना मैडम, समस्त कैबिनेट मंत्रीगण, मंच पर उपस्थित अन्य माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडियागण, सभी का यहाँ पे स्वागत है। कोसा कासा कंचन की धरती जांजगीर में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में मैं जिला प्रशासन जांजगीर चांपा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जांजगीर चांपा जिले में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में हम लगातार प्रयासरत हैं। आज के इस सम्मेलन भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा 466 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। धान से लेकर के शैक्षणिक जिला के रूप में अपनी पहचान बनाने के क्रम में जांजगीर चांपा जिले में कुल 15 आत्मानंद स्कूल यहाँ पे संचालित हैं, जिसमें 11,444 जरूरतमंद विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में गोधन न्याय योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बड़ा आधार बनकर सामने आया है। जिले में कुल 302 गोठान संचालित हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा 89,000 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण करके 3,98,00,000 रुपये का लाभ अभी तक प्राप्त किया जा चुका है। जिले में कुल 10 रीपा संचालित हैं, जिसमें आधुनिक पीढ़ी को ग्रामीण उद्यमी तैयार हो रहे हैं। धान के कटोरे के रूप में स्थित जांजगीर जिला सर्वाधिक धान उत्पादन का जिला है। यहाँ 17,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में धान का उत्पादन किया जा रहा है।
जिले में 2,44,000 हेक्टेयर को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। 1,13,000 से ज्यादा किसानों को समर्थन मूल्य पर 942 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। किसान न्याय योजना के माध्यम से 70 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। भूमिहीन कृषि मजदूर योजना से 19,000 हितग्राहियों को 18 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। जिले में स्थानीय निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 नवीन उपखंड, 3 नवीन तहसील, उपतहसील और नगर पंचायतों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। जिले के 10,332 बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में लाभ प्रदान किया जा रहा है। अतः अंत में मैं सभी सम्मानित अतिथियों और नागरिक जनों का पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ाने का निवेदन करती हूँ। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय कलेक्टर मैडम ऋचा प्रकाश चौधरी जी ने यहाँ के विकास योजनाओं से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी। और अब मैं इस कड़ी में स्वागत उद्बोधन के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ विधानसभा अध्यक्ष और हमारे जनप्रिय नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आए और स्वागत उद्बोधन के लिए सम्मानीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को स्वागत उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। डॉक्टर चरणदास महंत जी बोलिए, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या माता की, सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी, आज हमारे भरोसे के सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय बड़ी कृपा करके यहां पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बार बार प्रणाम करता हूं आप सबकी ओर से। आदरणीय शैलजा जी जो हमारी प्रभारी महामंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री भाई भूपेश जी, सरगुजा महाराज टीएस सिंहदेव साहब, दीपक बैज जी हमारे नए नए अध्यक्ष महोदय कांग्रेस के, भाई जय सिंह जी प्रभारी मंत्री, और हमारे सभी मंत्रियों का ताम्रध्वज साहू जी, मोहम्मद अकबर जी, अरविंद जी तो नहीं आ पाए क्षमा चाहता हूं, अनिला जी, रुद्र कुमार गुरु जी, शिव कुमार डहरिया जी, कवासी लकमा जी, मोहन मरकाम जी, अमरजीत भगत जी, उमेश पटेल जी, और यहाँ के सांसद पड़ोस के जोशना जी के साथ साथ आप सभी जिन्होंने पीढ़ियों तक कांग्रेस का भरोसा किया है, कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के हर कदम पर आप साथ रहे हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत आपको नमन करता हूं। पहली बार आए हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, ये हमारा सौभाग्य है। मैं चाहता हूं कि इस अंचल से थोड़ा सा परिचय करा दिया जाऊं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पास में शिवरी नारायण का मंदिर है जहां सबरी माता ने रामचंद्र जी को जूठे बेर खिलाए थे, वो पास में है। यहां कुदुरमाल खरसिया से कबीर का प्रेम, कबीर का सद्भावना, कबीर का स्नेह निकलता है। इस तरफ बाबा गुरु घासीदास जी का स्मृति में बनाया हुआ बहुत बड़ा जैत खम्भ है, जिनके हम इस मनखे एक समान को यहाँ जन जन तक पहुँचाते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। छेदीलाल बरिस्टर जी नेहरू जी के स्नेह रखते थे, हमारी मिनी माता इंदिरा जी के स्नेही रही हैं, और उनके साथ जो बिसाहूदास जी महन, भारद्वाज जी, ये 6-6, 7-7 बार चुनाव जीतकर इन सब का आशीर्वाद भी पाया इन्होंने और गरीबों की सेवा की। ऊर्जाधानी कोरबा, यहाँ की हसदेव बांगों की, हमारी नदियां, हमारे बांध, इस सब क्षेत्र को सिंचित करते हैं। यहाँ के किसान उस पानी से पूरे
फसल को उगाते हैं, ऊपर वाले की कृपा नहीं होती तो हमारे हसदेव बांगों की कृपा होती है। इस अंचल में हमने जीरम घाटी में भी बलिदान दिया है। नंद कुमार पटेल उसके पुत्र यहां के बलिदानी पुरुष हैं। ये अंचल सदैव कांग्रेस पर भरोसा किया है, सदैव इस अंचल के साथियों ने साथ दिया है। चुनाव के पूर्व जब राहुल जी आए थे तब उन्होंने इन सबको विश्वास दिया था, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, कि अब की जो सरकार बनेगी वो आपकी सरकार होगी। और उनके आदेश पर इस जनधन ने यहां कांग्रेस की सरकार बनाई। आप सब ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने भूपेश भाई पर भरोसा किया। भूपेश भाई ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ यहां का हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का